जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम प्रीलिम्स 5 जून 2022 को है, जिसमें आपका 96 डेज बचा हुआ है। और मैं इन 96 डेज को ऐसे डिवाइड करूँगा कि आप कौन से सब्जेक्ट कितने डेज में कवर करें, और जिस तरह से मैं बताऊँगा उतने डेज में आप कवर करिए। और मेरा अनुमान है कि आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले आएंगे, और जैसे कि आप कट ऑफ के ऊपर जा सकते हैं। आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट को इतने इतने डेज में मैंने डिवाइड किया है, और अच्छा नंबर कैसे लाएं जिससे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए। पॉलिटी को मैंने 14 डेज में कब बोला है, गवर्नमेंट को एंड स्कीम को 3 डेज में, मॉडर्न हिस्ट्री को 12 डेज, एंशेंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को 7 डेज, आर्ट एंड कल्चर को 6 डेज, जियोग्राफी को 14 डेज, एनवायरनमेंट को 6 डेज, मैप को 2 डेज में डिवाइड किया है। इकोनॉमी को 14 डेज, साइंस एंड टेक को 6 डेज। और मैं इन सारे सब्जेक्ट को जितने डेज में डिवाइड किया हूँ, ये सारे सब्जेक्ट GS पेपर 1 के हैं, और जितने डेज मैंने डिवाइड किया है वो टोटल 84 डेज हैं। और आपका बचा हुआ 96 है, जिसमें से आपका 12 डेज अभी भी हैं, जिसमें आप 8 डेज में सी सेट को कवर करें, और बाकी 4 डेज आपको बचा हुआ है, 4 डेज में आप रिविजन करें, और उसमें केवल आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें। प्रीलिम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर सको उतना सॉल्व करो। और ऐसा कहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। और मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि इन डेज में कितने हावर्स, कितने कैसे सब्जेक्ट या किस तरह की स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करें। जय हिंद दोस्तों।